जनपद मुख्यालय से लगे शाह पहाड़ी गांव में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर वोट डालने से मना कर दिया है। ग्रामीण पिछले कई महीनों से हो रही पेयजल समस्या से दिक्कतें झेल रहे हैं। बता दें कि शाह पहाड़ी गांव मुख्यालय से सटा हुआ, इसके बावजूद भी यहां पेयजल समस्या होने के चलते लोगों की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है और अब ये नाराजगी लोकसभा चुनाव में खुलकर सामने आ गई है। पांचवें चरण में होने वाले चुनाव में महोबा जिले में भी मतदान होना है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं खासकर पेयजल समस्या से जूझ रहे शाह पहाड़ी गांव के लोगों ने लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने से इनकार कर दिया। कबरई ब्लॉक अंतर्गत आने वाले इस गांव की आबादी 2800 है, जहां पेयजल के लिए करीब 3 दर्जन हैंडपंप के साथ साथ 3 सरकारी बोर भी संचालित हैं, जिनके ऊपर पेयजल आपूर्ति का जिम्मा है। बता दें, लेकिन बढ़ती गर्मी के साथ घटता जलस्तर घर घर पानी पहुंचाने में नाकाम है। यही वजह है कि बीते दिनों ग्रामीणों द्वारा सड़क को जाम कर पेयजल की समस्या को उठाया गया था, जिस पर प्रशासन ने मरहम लगाते हुए 2800 की आबादी में एक टैंकर को संचालित कर दिया, लेकिन इस टैंकर में भी पक्षपात किया जा रहा है। गांव के निवासी सुधा देवी, सुनीता द्विवेदी, शिवकली, मुबीना, राज द्विवेदी आदि बताते हैं कि ग्राम प्रधान शिव शंकर द्वारा शाह पहाड़ी गांव के आधे इलाके में पक्षपात करते हुए टैंकर नहीं पहुंचाया जाता, जिसे मजबूरन लोगों को पानी की समस्याएं हो रही हैं। घरों के सदस्य रात रात भर पानी के लिए दूर दराज के इलाकों से पानी लाने को मजबूर हैं। आधे इलाके में टैंकर से पानी जा रहा है तो आधे इलाके में आज जब ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार के लिए दीवारों में नारे लिख दिए और चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही, तब जाकर टैंकर पानी लेकर पहुंचा। ग्रामीण बताते हैं कि उनके इलाके तक आते आते टैंकर खाली हो जाता है। आरोप है कि ग्राम प्रधान को गांव के जिन इलाकों से चुनाव में वोट नहीं मिले थे, वहां पानी पहुंचाने में पक्षपात किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि रोजाना एक टैंकर चलाने में ग्राम पंचायत 5,000 रुपए का खर्च कर रही है। इस हिसाब से ग्राम पंचायत द्वारा एक बड़ी राशि को ठिकाने लगाकर पेयजल आपूर्ति करने का दिखावा किया जा रहा है। पानी नहीं मिल रहा है यहाँ पर, पानी मिलेगा तब वोट देंगे, जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देंगे। कब से ये समस्या बनी हुई है? ये बहुत दिनों से समस्या है पानी की यहाँ पर, पूरी साल की साल हो गई। पानी रात में जगना पड़ता है, जब पानी में तो अभी पानी नहीं मिलता है। अच्छा, सरकार कह रही है कि हर घर जल हर घर नल, यहाँ पहुँच चुका है महोबा में, आपके आया? नहीं आया जल, यहाँ नहीं आया। फिर पानी की समस्या किस प्रकार से हो रही है, क्या क्या दिक्कत हो रही है? पानी नहीं आ रहा, रात में जगते हैं। क्या पानी नहीं मिलेगा तो वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, पानी मिलेगा तब वोट देंगे। आपके गांव की दीवारों पे लिखा हुआ है कि मतदान बहिष्कार कर रहे हैं, पहले पानी फिर वोट, क्या मतलब है आपका? पहले पानी आएगा फिर वोट देंगे। अधिकारियों ने, नेताओं ने सुध नहीं ली अभी तक? नहीं, कोई नेता आए यहाँ पर? कोई नहीं आया। पहुँचाया जा रहा है, आप लोग किससे संतुष्ट हैं? पानी मिलता नहीं है, खाली आता यहाँ पर टैंकर, यहाँ आता जा रहा खाली हो जाता टैंकर। हमारा शिव शंकर। अच्छा, यहाँ पेयजल की क्या समस्या है? तो जल निगम के द्वारा जो टंकी डायरेक्ट सप्लाई थी, पाइपलाइन टंकी नहीं बनी थी, उसको वाटर लेवल नीचे हो गया, उसमें पानी बहुत धीमा हो गया, 1 इंच पानी भर गया है। और तालाब जब तक भरा रहा, बराबर पानी देता रहा, और तालाब का पानी खत्म हो गया, तो उसका भी बोर का पानी खत्म हो गया। जल निगम से प्रार्थना की तो उन्होंने 5 पाइप बढ़वा दिए, लेकिन पाइप बढ़ने के बाद भी कोई पानी में फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पर कई दीवारों पर लिखा हुआ है पानी नहीं तो वोट नहीं, इस पर क्या कहेंगे भाई? ये तो आचार है, उल्लंघन कर रहे हैं आचार संहिता का। लोगों का आरोप है कि आपके द्वारा कहा जाता है कि आपने, लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, उनको पानी नहीं मिल रहा भाई, ऐसा मतलब नहीं। तो पूरा गांव प्रधान का होता है, चाहे वोट दे या ना, तो पूरा गांव थोड़ी है, एक एक व्यक्ति को वोट देता है। प्रधान जी, सरकार के अधिकारी कह रहे हैं कि हर घर जल और नल। हाँ, नमामि गंगे की योजना है, इसके जो कार्य है बहुत धीमी गति से चल रहा है, 2 साल हो गए, 1.5 साल बराबर प्रयास किया जा रहा है। कई जगहों में अभी सप्लाई चालू हो गई है, तो दूसरे गांव में, लेकिन हमारे गांव में चालू नहीं होंगे अभी तो। ये उन्हीं का है, पाइप लाइन जल चुकी है, लेकिन पानी नहीं, अभी काम चल रहा है। आपके द्वारा अधिकारियों से कुछ कहा गया इस बारे में? जी, अधिकारियों ने बोला है कि देखिए टैंकर चलवाइए, और दूसरी बात है कि नमामि गंगे ने बात की है,
कि पानी जल्दी से जल्दी भेजेंगे आपके गांव में। परेशानियां हैं भैया, पूरी पूरी रात जलते हैं और ड्यूटी जाओ पानी नहीं मिला, एक दिन परेशान है पानी के लिए। ठीक है, कितना आपने लोगों से शिकायतें करी, ग्राम प्रधान से बोला क्या? प्रधान जी से बोला, वो कहते 10 बजे के बाद हमारे यहाँ ना आओ, हमारे घर में ना आओ, हम नहीं तुम्हारी सुनेंगे, पंचायत भवन में आओ। अभी कह रहे थे कि हमारे अंडर में नहीं है, हर जगह टैंकर देते हम लोगों के लिए, कह रहे तुम लोग कौन शिकायत करने गए, तुम्हारी नहीं मिलेगा टैंकर। आज लिख के दिया तो फिर आज बोले के आज टैंकर आ गया, वो भी खाली। आपके गांव में अभी हम लोग आज दीवारों पे लिखा है। हाँ तो वो हम लोगों ने लिखवाया है। क्या है इसका मतलब? ये दिक्कत है कि आधे गाँव में पानी दे रहे, हम लोगों को पानी नहीं दे रहे। आधे गाँव में टैंकर से सप्लाई? हाँ टैंकर से सप्लाई आती है, कह रहे इन लोगों ने लिख के दी शिकायत दी, तो इसीलिए इनके यहाँ रहे, तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। 300-300 रुपए वसूले जाते पानी के लिए, कोई पानी नहीं है। कौन वसूलता है ये पैसे? गांव के कि हम टंकी सही करवा रहे, प्रधान जी वसूलवाते हैं, हर महीने दे दे, उनने कही 100 दो 200 दो, हम लोगों को पानी की जरूरत है देते हैं। अच्छा आप लोग हर बार वोट देते आ रहे हैं? हर बार देते हैं। और दुर्दशा? दुर्दशा वो उसी तरह है, नाई ड्यूटी से आ रहे, कूड़ा से खेत खेत के पानी भर रहे। कुछ बार क्या निर्णय कर लिया? हमें वोट नहीं देना है किसी के। हर जगह दीवारों में लिखे हुए हैं, क्या दिक्कत क्या परेशानी है? पहली बात तो हम रात भर जगते हैं पानी के लिए, पानी की बिल्कुल मिलता ही नहीं है। रात भर जगते, दिन भर भी कोई पानी नहीं मिलता है। हम लोगों ने जब से लिखा है मतदान बहिष्कार का, आज से उन्होंने टैंकर भेज दिया है, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पर। प्रधान जी उनसे कहा ड्राइवर से टैंकर से कि रोक दो भैया, वो कह रहे प्रधान जी की, प्रधान जी ने कहा उस मोहल्ले से वोट नहीं गे, तो हमें उस मोहल्ले में टैंकर नहीं भेजना। कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत जल की, और कब से है पीने योग्य पानी की परेशानी? पानी की कम से कम अभी से, जब पहले आता था 2-3 महीने पहले खूब आता था, चलता था, अब 2-3 महीने से बिल्कुल पानी नहीं। इसकी शिकायत आप लोगों ने की? हाँ काफी देर, काफी बार कही है। इतनी भीषण गर्मी, वैसे में पानी ना मिल पाना, क्या कितनी दिक्कतें होती है? बूढ़े बूढ़े लोग हैं, कहाँ तक जाएंगे बनने नल पे, हैं कहाँ तक जाएंगे बताइए आप। हमारी मम्मी खुद शुगर की पेशेंट है, बेहोश हो जाती है वो रात में, कभी दिन में हो जाती है बेहोश। दीवालों पे क्यों लिखती है, क्या बात है? तो जब पानी की, जब हमारा समाधान नहीं होगा तो हम क्यों वोट देंगे भाई? हमारा कर्तव्य है वोट डालना, कि हमारा कि हमारा हम अधिकारी अपने उसको मंत्री को वो करें, जब हमारा मंत्री शायद नहीं दे रहा तो काम मतलब वोट डालने का। नेताओं का क्या रोल है? कुछ नहीं आते, कहते हैं पाय लागू महाराज, वोट दे दियो बस, फिर नहीं आ कौन हूँ चुनाव के बाद। पानी नहीं तो वोट नहीं, इस पर क्या आपने तरीके काम? हम टैंकर चलवा रहे हैं, माई ग्राम पंचायत में 36 हैंडपंप है जो स्थापित है, वो सुचारू रूप से चल रहे हैं। 3 हमारे यहाँ बोर है, वो भी चल रहे हैं। यहाँ टैंकर की व्यवस्था भी करवाई गई है, ये आप लोग भी अभी देख रहे हैं। गांव में पानी मिल रहा है? नहीं, यहाँ पानी नहीं आ रहा अभी, यहाँ इस घर में नमामि गंगे का नहीं आ रहा है, जल निगम से आ रहा है। लोगों का आरोप है कि यहाँ कुछ एरियों को छोड़कर पानी दिया जा रहा है, ये कितना सही है? अब ये तो नहीं, जैसे अब आ ही रहा है पानी, बाकी जगह तो आ रहा है। नमामि गंगे की जो लाइन डली है वो अभी डली हुई है, लेकिन उसे पानी नहीं आ रहा है। टैंकरों से भी सप्लाई हो रही, तो उसमें भी आरोप लग रहा है कि कुछ चिन्हित जगहों पर ही चेहरा देकर के पानी दिया जा रहा है, ऐसे में इस पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने संबंधित अधिकारियों को कितने बार लिखित तौर पर यहाँ की पानी की समस्या से अवगत कराया? अभी मैं 19 तारीख को जो यहाँ दिक्कत हुई थी, तभी से हम बराबर लगातार यहाँ आ रहे हैं और स्वयं देखते हैं, पानी का टैंकर भी चलवाया जा रहा है। आप कह रहे हैं कहाँ तक बात हुई? नहीं आप देख ही सकते हैं ना कि ये टैंकर अभी चल रहा है। अब विरोध क्यों कर रहे हैं? ग्रामीण विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हर घर में दे। अब आप ही बताइए, हर घर में तो नहीं दे सकते ना, एक जगह चिन्हित कर दिया है कि ये जगह है, आप लोग यहाँ से भर लीजिए। और कई लोग कहते हैं कि ये बसोर है, ये चमार है, हम उसका छुबा नहीं पिएंगे। इस गांव में ये भी? हाँ ये भी होता है। अब बताइए हम जाति कैसे पहचानेंगे, किसकी कौन जाति है? अच्छा आप लगातार फील्ड में हैं, आपने भी देखा होगा दीवारों में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि पहले पानी फिर वोट। जी कैसे समझा रही हैं आप ग्रामीणों को? हमको समझा रहे हैं कि पानी आपको दिया जा रहा है। मतदान के लिए कैसे प्रेरित कर रही है लोगों को, मतदान के लिए कैसे जागरूक कर रही है आप? मतदान अब देंगे, 20 मई को है तो वो देंगे ही। शाह पहाड़ी गांव में पेयजल समस्याओं से यहां के ग्रामीणों के सूखते हलक अधिकारियों के दावों की भी पोल खोल रहे हैं। एक टैंकर के सहारे पूरे गांव में पेयजल की सप्लाई करना,
इस समस्या के निजात के सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गई है। इस समस्या को लेकर ग्राम प्रधान शिवशंकर ने बताया कि जल निगम की टंकी के बोर का वाटर लेवल कम हो गया है, जिस कारण पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं नमामि गंगे योजना का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, जिस कारण उसका भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब गांव में टैंकर चलाया जा रहा है, जबकि इस समस्या को लेकर गांव की ग्राम पंचायत अधिकारी आरती गुप्ता खुद मॉनिटरिंग करने की बात कहती हैं और गांव में टैंकर चलवाने की बात कहती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नमामि गंगे योजना की लाइन डली है, मगर उसमें पानी नहीं है। जल निगम के स्रोत भी धीरे धीरे जवाब देने लगे हैं। वहीं आपसी मतभेद और छुआछूत के चलते भी लोग टैंकर का पानी लेने से कतरा रहे हैं। ये समस्या होने के चलते लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, फिर भी प्रयास है कि पूरे गांव को पानी दिया जा सके।